अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। तमाम तारीफें अल्लाह की जिसने पूरी कायनात बनाई उसी के नाम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि लोन के रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा बर वक्त और उधार पैसा और ईजी लोन के बारे में। यह कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल जब वीडियो बना के अपलोड की थी कि SSCP वालों ने काफ़ी ज़्यादा लोन एप्लीकेशन को रजिस्टर किया हुआ है और उनको लाइसेंस दिया हुआ है। तो उधार पैसा, ज़रूरत कैश और ईजी लोन से जिस जिसने भी लोन लिया था वो परेशान है और उन्होंने कमेंट्स किया कि सर हमें बता दें कि ये लोन एप्लीकेशन रजिस्टर हैं या नहीं है। तो आज इसी वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, मुकम्मल आपने वीडियो वॉच करनी है, ज़रा सी भी एक्सेप्ट नहीं करनी। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बरवक्त एप्लीकेशन जो है इसके भी आजकल जो है हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं और ये आने वाले दिनों में ये एप्लीकेशन भी काम से चली जाएगी। सिर्फ आपने करना है क्या, FI में जाके बरवक्त एप्लीकेशन की रिपोर्टिंग करनी है। जितनी आप रिपोर्टों करेंगे उतनी ये एप्लीकेशन जल्द से जल्द रिमूव हो जाएगी SSCP वालों से। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि उधार पैसा, ज़रूरत कैश और ईजी लोन, ये स्क्रीन शॉट SSCP वालों ने भेजा था मुझे, उसमें आपको वाजा तौर नज़र आ रहा है कि जो लोन एप्लीकेशन रजिस्टर हैं उनके नाम और उनके ऑनर के नाम और इनकी जो कंपनियाँ सब डिटेल के साथ मौजूद हैं, आप अभी भी देख सकते हैं। अगर उधार पैसा, ज़रूरत कैश या ईजी लोन एप्लीकेशन रजिस्टर होती तो उनका भी नाम यहाँ पर मौजूद होता। ये ईजी लोन एप्लीकेशन जो है वो पहले रजिस्टर थी, उधार पैसा भी थी, मगर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हादसा और रिपोर्टों की वजह से ये SSCP वालों ने इनसे लाइसेंस छीन लिया है, बल्कि इनका लाइसेंस रद्द कर लिया है। तो जो भी बंदे हैं उधार पैसा से, ज़रूरत कैश से या ईजी लोन से लोन लिया हुआ है, आपने डरना नहीं है, आपने अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और ये आपके कोई एक टके की कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये एप्लीकेशन अब मामूली एप्लीकेशन हो चुकी हैं, इनसे ना डरने की ज़रूरत है ना इनके मुंह लगने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेकार एप्लीकेशन हो चुकी हैं। अब बरवक्त एप्लीकेशन जो है ये भी खतरे की घंटी इसकी भी बज रही है, हो सकता है आज कल परसों एक महीने के बाद इसका लाइसेंस भी रद्द हो जाए। उम्मीद करता हूं कि ये लाइसेंस बरवक्त एप्लीकेशन का भी रद्द होगा और जो तीन एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया है इस एप्लीकेशन से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ये लोन एप्लीकेशन SSCP से रजिस्टर नहीं है। तो तमाम पाकिस्तानी जितने भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं दोस्तों तक पहुँचाएँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक आप पहुँचाएँ, ताकि जो भी बंदा इन लोन माफिया के चक्करों इनके झगड़ा हुआ है, इनके सूद के चक्करों में वो आज़ाद हो जाए और इनको एक टका भी ना दे, एक चवनी भी ना दे, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन है अब आपका ना नादरा, ना पासपोर्ट, ना कोई बैंक वगैरह में कोई भी डिफॉल्टर लिस्ट वगैरह का काम नहीं कर सकती। तो आपने इनसे डरना नहीं है। मज़ीद मालूमात जो भी आएगी सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त, दुआ में रखिए याद, अल्लाह हाफिज़।